हे गाइस, वेलकम बैक टू मंदारा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स को हम अच्छे से प्रिपेयर कैसे करें। साथ ही साथ जो भी बच्चे क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे पास 6 सेक्शंस हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D, लाइन, प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप सब जानते हैं, उनका वेटेज दे रखा है 8 मार्क्स, 10 मार्क्स। सबसे हाई वेटेज है कैलकुलस का, 35 मार्क्स के लिए आता है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, आप इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके आप कैसे आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस में क्या क्या हमें करना है। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में से बहुत सारे टॉपिक कट हो चुके हैं, हम उनका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अब ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर बिकॉज इसमें कुछ बचा ही नहीं है ज्यादातर, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा चैप्टर है ITF, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में बहुत सारी चीजें डिडक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको कहना चाहता था कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप उतना ही प्रिपेयर करिए जितना सिलेबस में दिया है। जैसे आईटीएफ में सीबीएसई बोर्ड ने प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन निकाल दिए हैं, तो हमें प्रिपेयर नहीं करना है। इफ़ यू आर 20-21 स्टूडेंट्स तो आप इनको स्किप कर सकते हो। तो आइए जानते हैं हमें इसे तैयारी कैसे करनी है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपको एक ही चीज़ प्रिपेयर करनी है, बेसिक्स, ठीक है। 11th के जो बेसिक्स हैं वही 12th में है, उसी का कंटिन्यूएशन है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं, प्लस किसी भी एक मॉक टेस्ट से आप सॉल्विंग कर सकते हो। तो चैप्टर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। मैक्स टू मैक्स 7 डेज आप ले सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग, बट अगर आपको रिवीजन करनी है तो 1 डे भी काफ़ी है, ठीक है। इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर भी हमने बना रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल बच्चों को ये चैप्टर टफ भी लगता है, इसलिए क्योंकि इनके बेसिक क्लियर नहीं है। आपने सारे टाइप्स क्लियर कर लीजिए, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, वन वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ये बेसिक सब क्लियर कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए सुपर ईजी होने वाला है। बच्चों, दूसरी बात ITF की तैयारी के लिए आपको एक चीज़ ख्याल में रखनी है, 11th का आपको बेसिक्स कर लेना है, बिकॉज 11th के ट्रिग्नों का ही कंटिन्यूएशन 12th में। एज यू नो दैट इट इज ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें से प्रॉपर्टीज हटा दी गई है, तो आपके लिए ये काफ़ी क्रूशल हो जाता है चैप्टर प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा चैप्टर। एज यू नो दैट द मेजर पार्ट इज द प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, तो अगर प्रॉपर्टीज निकाल दी गई हैं फॉर 2021, दैट मीन्स ये चैप्टर बन चुका है सुपर ईजी। देखिए, मैट्राइसिस में भी बहुत सारे टॉपिक कट हो चुके हैं, बट आई फील आप मैट्राइसिस से पहले डिटर्मिनेंट कर लें, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की भी प्रॉपर्टीज उन्होंने निकाल दी है, ठीक है, दैट मीन्स ये चैप्टर आपके लिए सुपर ईजी हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस अलजेब्रा के ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप NCERT प्रिपेयर कर लें, ठीक है, प्लस पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन कर लें, प्लस किसी भी एक मॉक टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करें। मिनिमम 10 टेस्ट आपको सॉल्व करनी है। तो बच्चों, हमको पहले सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट और फिर उसके बाद सब करना है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में भी आप एक चीज़ देखोगे, मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब पर बना रखे हैं, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कट हो चुका है, ठीक है, विच वॉज द मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर। तो मुझे ऐसा लगता है 5 दिन में आप मैट्राइसिस कर सकते हो और 5 दिन में आप डिटर्मिनेंट कर सकते हो। देखिए, ज़्यादा डीप में ना जाके मैं सिंपली कहूँ तो इन
को आप मेरे वीडियो लेक्चर से भी प्रिपेयर कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करते हो। आई वुड सजेस्ट यू कि आप मेरे वीडियो लेक्चर से इसकी तैयारी करिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप नोटिस करोगे, मैट्रिसेस में मैंने ऑलरेडी 1 आवर का लेक्चर बना रखा है, ठीक है, आप वो कर लीजिए। इसमें एक और मेथड है एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट मेथड इनवर्स फाइंड करने का, उसे कर लीजिए। सो विद इन 2 आवर ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो सकता है, स्कोरिंग भी है, इजी भी है। मैं जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में एक चीज़ जो खास आपको नोटिस होगी कि पास्ट ईयर में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज की तैयारी आप कहाँ से करेंगे? यस, आपके पास जो मॉक टेस्ट पेपर है आप वहां से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो ठीक है, जो आपको मेजर गाइडेंस लगेगा वो है ये चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पीछे एक खास रीजन है डियर स्टूडेंट जिसे हमें समझना चाहिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप देखोगे तो कंटिन्यूटी ओनली 5% है, डिफरेंशिएबिलिटी 5% है, और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जो डेरिवेटिव पार्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो ठीक है, डेरिवेटिव लेना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 90% आ रहे हैं। सो डेरिवेटिव ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि 12th में बेसिक्स दे नहीं रखा। मैंने 12 लेक्चर्स की सीरीज बना रखी है, 12 के 12 लेक्चर्स आप वो जाके देख लो, वहाँ से आपका काफ़ी सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। सो इन 12 लेक्चर्स के बाद आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करो, आपका डेफिनेटली फायदा होगा। रोल्स और लग्रांजेस बाबा का थ्योरम जो है वो निकल चुका है, दैट मीन्स चैप्टर ही सुपर ईजी हो चुका है। तो डेरिवेटिव आपको पहले बेसिक्स कर लेना है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर दे रखे हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, इसमें मैंने ट्रिक्स करा रखी है बहुत सारी, रूल्स के लिए, फॉर्मूलाज के लिए मेमोराइजेशन ट्रिक, आप उन्हें ज़रूर प्रिपेयर करें। तो इस प्रकार से 35 मार्क्स का जो कैलकुलस है उसमें से डेरिवेटिव का आपका टेंशन ख़त्म, क्योंकि आप मेरे बेसिक्स पहले पढ़ोगे फिर ही आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे। आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ऐसा क्या खास है? कुछ भी खास नहीं है, आपका डेरिवेटिव आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आ जाता है। इसमें अप्रोक्सीमेशन नाम का कंसेप्ट कट हो चुका है, ठीक है। अब आपको डेरिवेटिव अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 5। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपने आप आपको ईजी लगेगा। इसमें मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। हम इस पर ऑलरेडी वीडियो लेक्चर कवर करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप डेरिवेटिव को बहुत ज़्यादा वेटेज दें। मैं आपसे कहूँगा अगर आप 10 दिन में डेरिवेटिव पढ़ते हो कोई बुरी बात नहीं है, बट एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फॉर्म्स, डबल डेरिवेटिव, फॉर्मूलाज लर्न कर लो, रूल लर्न कर लो तो डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव हो गया तो AOD इज अ बोनस चैप्टर। सो हम इसे कहेंगे एक तीर से दो निशान, ठीक है बच्चे। एक चीज जो है पढ़ तो लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो अगर आप NCERT सिर्फ कर लो, सिर्फ NCERT कर लो, मैं आपको कहूँगा यू विल गेट 80 मार्क्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप फिर से सुनिए, सिर्फ आप NCERT करते हो, ठीक है, NCERT बुक से तैयारी करते हो, आपको 80 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पास्ट ईयर पेपर स्टडी करो, मैं आपको कहूँगा कि इसमें आपके 7 मार्क्स और ऐड आ जाएंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, ठीक है, अब ये मॉक टेस्ट कितनी आपके पास टाइम बहुत है, 30 मॉक टेस्ट आपको करनी है सॉल्व, तो बच्चे कुचे आपके 10 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं, मतलब 97 ये हो गए। तो आप सोचोगे 3 मार्क्स बाकी कहाँ बच गए? देखिए 3 मार्क्स आपके, मैं ऐसे कहूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाते हैं एग्ज़ाम में। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आई होप कि अगर आप 95 तक स्कोर करना चाहो तो आपको प्रयूज करना है NCERT प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चन
प्लस मिनिमम 30 मॉक टेस्ट देनी है। देखो हर किसी का क्राइटेरिया अपना होता है, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे आप आउट ऑफ मार्क्स नहीं ला सकते। देखिए 95 तक आप पहुंचिए, उसके बाद हम आगे की जर्नी तय करेंगे, बिकॉज इतना हो जाए तो हम और प्रैक्टिस इम्प्रूव करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप ख्याल में रखो, इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी वास्ट लेसन। अगर आप 10 दिन में देते हो प्रिपेयर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन का एक ब्रह्मास्त्र है बच्चों, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? टाइप वाइज इंटीग्रेशन की तैयारी हमें टाइप वाइज करनी है। हर एक टाइप को, अच्छा ये टाइप ऐसे होता है, अच्छा ये टाइप ऐसे होता है। सो इफ़ यू प्रिपेयर दिस टॉपिक बाय टाइप वाइज, आपको बहुत सिंपल और इजी हो जाएगा। पर जो इस पे मैं वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करूँगा, और हम एक एमसीक्यू की सीरीज भी रन करेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप तैयार कर लीजिए फॉर्मूलाज, लर्न कर लीजिए, प्लस इसके कुछ रूल्स हैं, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये चैप्टर आपके लिए सुपर सिंपल और सुपर इजी हो जाएगा। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन। ऑर्डर आपको ब्रेक नहीं करना है। इफ़ यू डोंट नो डेरिवेटिव, आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट है कि लाइन वाइज ही चलिए। इसमें कुछ टॉपिक कट हुए हैं जो आप देख सकते हो सिलेबस में, बट फिलहाल हम मैक्रो व्यू देख लेते हैं। माइक्रो व्यू आपको बुक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज अ बोनस लेक्चर, बिकॉज एक बार ही आपको इंटीग्रल आ गया, मतलब पिछला चैप्टर आ गया, तो ये आपको आ जाएगा। इसकी सॉल्विंग की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे बेसिक्स पे भी एक बार ही आपके लिए वीडियो लेक्चर ले आऊँगा। आपको बस एक चीज़ करनी है, डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लोगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तैयारी कहाँ से करनी है? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करना है। अब होता ऐसा है, बहुत सारे बेसिक्स जो हैं बुक में नहीं है, सो आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लेक्चर ऑन इट, या तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं मंधान अकेडमी इंटीग्रल्स, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रल। इसे मैं कहूँगा थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, इसमें थोड़े से आपके एफर्ट जुड़ेंगे। बाकी ओवरऑल मैं कहूँ तो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी कर लें, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें, उसके बाद मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करें। इसमें आपका समय बहुत बचेगा, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का एक अच्छा कौसा कॉम्बिनेशन हमें इन क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। आप एक चीज़ ख्याल में रखिए, चलिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, बट आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे, बट आप टाइप वाइज तैयार कर लीजिए। हर एक टाइप को समझ लीजिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, उसको कैसे टैकल करना है। जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, तो हम इसे टाइप वाइज प्रिपेयर करेंगे। और ये चैप्टर के पहले आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आना जरूरी है। बच्चों हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, वेक्टर। वेक्टर काफ़ी सिंपल और इजी लेसन है। इसमें आपको एक ही चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस। बच्चों एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, वेक्टर 3D ये दोनों एक ही साथ में चलते हैं। इसमें आपको एक चीज़ मिसिंग रहेगी, वो है बेसिक्स। बेसिक्स बुक्स में उतना अच्छे से नहीं दे रखे हैं, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिसमें 1 घंटे के पूरे के पूरे बेसिक्स हैं, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। तो ये दोनों एक ही साथ हैं, वेक्टर 3D, भाई भाई। ठीक है, अच्छा है। लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ्स आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम आता है, और फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मूला आता है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग आपके लिए एक बोनस चैप्टर है, मुझे लगता है 11th में भी आपने पढ़ रखा है। इट इज़ अ वेरी इजी लेसन, इस पे आपको डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई पर्सनली फील कि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी एनर्जी जाती है, बट आई पर्सनली फील कि बाकी चैप्टर के मुकाबले ये ईजी है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड समटाइम्स कन्फ्यूजिंग एज वेल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बच्चों को कंसेप्ट पता नहीं होता है। सो मैं इस पे
स्पेशल आपके लिए कंसेप्ट सीरीज लॉन्च करूंगा जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। सो दिस इज़ हाउ फॉर टुडे। प्रोबेबिलिटी का जो आपका टेंशन है कंसेप्ट का मैं क्लियर कर लूँगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी मच कन्फ्यूजिंग। इट इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग, आपके बेसिक्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आई विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर। सो दिस इज़ हाउ फॉर टुडे। तो ये सब है हमारा प्रिपरेशन का प्लान जो कि आपने अभी देखा। बच्चों अनअकैडमी पे हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं फॉर CBSE। तो आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं। देर इज़ अ स्पेशल कूपन कोड विच इज़ MANDHAN, ठीक है। इस कूपन कोड को आपको यूज़ करना है। यू विल गेट स्पेशल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस। तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास 11th और क्लास 12th की CBSE कैटेगरी के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं अनअकैडमी पे। सिंपली आपको यूज़ करना है कूपन कोड MANDHAN कैपिटल और स्मॉल। आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। बच्चों जो क्लास की फ़ीस है लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ही रीजनेबल फ़ी है। 15,000 इज़ अ फी फॉर PCMBE। 5 सब्जेक्ट की जो फीस है ओनली 15,000 है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो, लेट से इफ़ यू यूज़ माय कूपन कोड, कूपन कोड क्या है पढ़िए MANDHAN, तो आपको यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट फ्लैट डिस्काउंट और ये आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा 13,500 में। तो एक चीज़ आप ख्याल में रख के चलिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन में एनरोल करते हैं तो घर बैठे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, तो CBSE के बच्चों से एक पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप कहीं और पढ़ना चाहते हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक रीजनेबल प्राइस में आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो अनअकैडमी इज़ माई पर्सनल सजेशन, क्योंकि CBSE कैटेगरी के लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस है वन थिंग। दूसरी बात, कोई लॉक इन नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपने 80,000 भर दिए और PCMBE आप पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ट्राई विथ 1 month सब्सक्रिप्शन, 3 month सब्सक्रिप्शन, और प्राइस इतनी रीजनेबल है कि उतनी वैल्यू तो आपको मिलनी है। जैसे मेरे जैसे एजुकेटर हैं, हम पर्सनली एक सब्जेक्ट की 20,000-25,000 इस तरीके से फीस लेते हैं, तो आपको 13,500 में मेरे अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश भी मिल रहा है। दिस इज़ अ 1 year सब्सक्रिप्शन, बट इफ़ यू टेक 6 month ये तो ये फीस आपको 10,000 हो जाएगी, विद डिस्काउंट इट्स 9,000। सो 9,000 में 6 month के लिए यू शुड डू अ पर्सनल कैलकुलेशन इन योर ओन माइंड कि यार इज इट वर्थ इट, क्या ये वर्थ इट है। मैं डेफिनेटली कहूँगा इट्स अ जॉ ड्रॉपिंग प्राइस, बिकॉज मुझे एक कोचिंग नहीं पता है जो इतना रीजनेबल प्राइस में आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात, लेट मी टेल यू वन थिंग, अनअकैडमी पे कॉस्ट ऑफ एजुकेटर ऑन देयर ओन। तो जो भी है, जैसे हमारे जैसे एजुकेटर हैं, दे पे अलॉट ऑफ मनी फॉर एजुकेटर्स। तो एजुकेटर को जो सैलरी पे होती है अनअकैडमी अपने एंड से बेयर करता है। सो दैट मीन्स आपको कोर्स अच्छे से और रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो सके। लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट वेरी मच प्रॉफिटेबल, इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज कोर्स प्राइस इज वेरी मच रीजनेबल एट दिस टाइम। इनिशियली मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट टारगेटिंग मनी, क्योंकि अगर मनी टारगेट होता तो सब्सक्रिप्शन का प्राइस ज़्यादा होना चाहिए था, वो भी बिल्कुल नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी पर्सनल कोचिंग की फीस 20,000 है ऑफलाइन की। तो ये 15,000 में 1 साल के लिए PCMBE दे रहे हैं। पर्सनली स्पीकिंग इट इज़ वेरी रीजनेबल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू कैन ज्वाइन बाई यूजिंग द कूपन कोड MANDHAN। See you guys, take care, जय हिंद, वंदे मातरम। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।